बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी क्लास में खुश आमदीद। बेटा, बायोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब तक आप इस चैप्टर में से काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अगर आपको वो तमाम चीज़ें रिवाइज करनी हो तो पुराने लेक्चर्स की जो वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिएगा। हमने काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें फिर हमने वाटर पढ़ा था। वाटर पढ़ने के बाद फिर हम मूव ऑन किए थे, आगे जब हम बढ़े थे तो हमारे पास हैं आगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें कार्बन ज़रूरी होता है। तो फिर हमने पहले कार्बन देखा था कि कार्बन जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, किस तरह का होता है, हमने वो देखा कार्बन के बाद फिर हमने ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इनको शुरू करने से पहले हमने लास्ट क्लास में कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें समझी थी कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, मोनोमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर्स होती हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की चेन्स होती हैं, उनको आप पॉलीमर्स कहते हो। अगर आप उनको तोड़ दो तो छोटे छोटे जो आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उनको आप कहते हो मोनोमर्स। ये तो बहुत काम की चीज़ हैं, ये तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह हैं, ये पॉलीमर्स हैं और इनमें आपको छोटे छोटे मोनोमर्स मिलेंगे। उसके बाद हमने पॉलीमराइजेशन पढ़ा था। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, अगर आप छोटे छोटे मोनोमर्स को मिलाकर बड़ी बड़ी पॉलीमर्स बनाएं, इसको आप कहते हो पॉलीमराइजेशन। वाटर रिमूव होता है, कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस, ये सब मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की पॉलीमराइजेशन होती है, एडिशन और कंडेंसेशन। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है वो कौन सी वाली कंडेंसेशन होती है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, वाटर रिमूव होता है, ये भी सब मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था। फिर पॉलीमराइजेशन का एक अपोजिट प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। इसमें पॉलीमर्स टूटती हैं और छोटे छोटे मोनोमर्स अलहदा हो जाती है, यानी पॉलीमर इज कन्वर्टिंग इनटू मोनोमर, इसको आप कहते हो हाइड्रोलाइसिस। इसमें वाटर आता है, वाटर डाला जाता है, इंक्लूड हो जाता है, जिससे ये पॉलीमर टूट जाती है। फिर बॉन्ड के हवाले से भी बताया था कि जब बॉन्ड बनता है, यानी पॉलीमराइजेशन में नए बॉन्ड बनते हैं तो उनमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, और हाइड्रोलाइसिस में जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो वो एनर्जी रिलीज होती है और वो फिर एनर्जी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर लेता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। हम एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ चुके हैं जिसको हम वाटर कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है लेकिन इनऑर्गेनिक है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की, विच इज कार्बोहाइड्रेट। पहली बात, इट इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक होता है, इसके अंदर कार्बन मौजूद होता है। हम तीन पढ़ेंगे, तीन मेजर जो हम पढ़ेंगे ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, याद रखिएगा तीनों ऑर्गेनिक हैं। तीनों में कार्बन और हाइड्रोजन आपको लाजमी मिलता है, ठीक है। तो पहली बात, कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, एक बात। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमें मिलते हैं सिर्फ तीन किस्म के एटम, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस तीन तीन एटम्स के अलावा आपको कोई दूसरा चौथा एटम नहीं मिलता कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है। आप कोई सी भी कार्बोहाइड्रेट उठा दें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च, कोई सी भी कार्बोहाइड्रेट उठाओगे, दे ऑल कंटेन थ्री एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन इसमें मौजूद है इसलिए हमने इसको ऑर्गेनिक कहा है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है उनके दरमियान जो रेशियो होता है वो होता है 2:1 का, 2:1 का रेशियो होता है, यानी हाइड्रोजन अगर दो होंगी तो ऑक्सीजन का एक एटम होगा, हर दो हाइड्रोजन के एटम पर एक ऑक्सीजन का एटम होता है, ठीक है। ये वाटर वाला रेशियो होता है, वाटर के अंदर भी 2:1 का है। वाटर में फॉर्मूला क्या है, H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ठीक है ना। वाटर का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे H2O, ये फॉर्मूला होता है वाटर का। अब आपको वाटर का फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया है, इस फॉर्मूले में देखें दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, इस रेशियो को हम कहते हैं 2:1, वाटर का रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें तीन एटम्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन की तादाद जो भी होती है उसमें बहुत सारी टाइप्स हो जाती हैं, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशियो होता है वो होता है ज्यादातर 2:1 का, मोस्टली, ज्यादातर, तमाम में ऐसा नहीं होता, ज्यादातर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2:1 के हिसाब से होते हैं। इसके नाम को अगर हम गौर करें तो कार्बोहाइड्रेट में ये जो कार्बो वर्ड है, CARBO, ये वाला जो वर्ड है कार्बो, इसका मतलब है कार्बन, ठीक है। और हाइड्रेट कहते हैं हम ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है,
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो होता है ना, ऐसे कंपाउंड को आप कहते हो हाइड्रेट। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसलिए इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो हाइड्रेट जैसे वाटर जो होता है, ये भी हाइड्रेट है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है उनको हम हाइड्रेट कहते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के नाम पर ही गौर कर लें तो हमें पता चल जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का नाम क्यों रखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, एक बात। और दूसरी बात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपको मिलती है वो मिलती है 2:1 के रेशियो के हिसाब से। लेकिन फिर आगे जाके जैसे जैसे हमने मजीद कार्बोहाइड्रेट डिस्कवर किए, जैसे शुरू में ये कहा जाता था कि कार्बोहाइड्रेट हमेशा व्हाइट होता है, कार्बोहाइड्रेट हमेशा मीठे जायके का होता है, ये भी डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता था कि कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट आर व्हाइट कंपाउंड्स। लेकिन फिर आगे जाके हमें ऐसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स मिले जिनका व्हाइट कलर नहीं होता, जो मीठे नहीं होते। इसी तरह कुछ ऐसे भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे कि हमारे जो घर के अंदर चीनी होती है उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है जी। ये फॉर्मूला होता है हमारे घर में मौजूद जो चीनी होती है, और वो मीठी है, वो कार्बोहाइड्रेट है। जो हमारे घरों में चीनी होती है ना, जो हम चाय वगैरह में डालते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट है। और उसमें आप देखें तीनों आइटम है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन उधर ये वाली बात नहीं है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो एटम है वो 2:1 के रेशियो में नहीं है। देखें हाइड्रोजन 22 है, ठीक है, बल्कि इसमें नहीं, हाँ हाइड्रोजन इसमें 22 है। और उसके हिसाब से, बल्कि ये नहीं, दूसरा मैं ले लेता हूँ जिसमें तो है, बल्कि ये मैं गलत एग्जांपल दे दिया आपको, हाँ मैं गलत लिख एग्जांपल लिख दिया, ये वाली एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, C12H24O11। इसमें ये भी एक डाइसेक्राइड टाइप की शुगर है। डाइसेक्राइड क्या होती है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब इस वाले कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में देखें, इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो 2:1 के रेशियो में नहीं है। ऑक्सीजन 11 है, उस हिसाब से हाइड्रोजन डबल कर लो 22 होने चाहिए थे, लेकिन 24 है, ठीक है। तो हमारे पास शुरू के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन दी जाती थी वो ये दी जाती थी कि कार्बन कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशियो होता है वो 2:1 का होता है। लेकिन ज्यादातर में होता है ये, लेकिन दो एक दो शुगर ऐसी होती है जिनमें ये रेशियो ऐसा नहीं होता, तो ये डेफिनेशन गलत भी हो जाती है एक लिहाज से, लेकिन अब भी हम इसको चलाते हैं इस डेफिनेशन को, ठीक है। अब हम कहते हैं जी कार्बोहाइड्रेट क्या है जी, ऐसे कंपाउंड्स जो कि पॉली हाइड्रो ऑक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉली हाइड्रो, इतना मुश्किल वर्ड लगता है ना लिखने में, ढूंढसाल होता है, पॉली हाइड्रो ऑक्सी कीटोन, ये होते हैं। पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रो ऑक्सी का मतलब होता है OH, केमिस्ट्री का वर्ड है। हाइड्रो ऑक्सी का मतलब होता है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, हाइड्रो ऑक्सी का मतलब होता है OH, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO, ये तीन एटम्स, इसको आप कहते हो एल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, जहां पे भी एल्डिहाइड होगा समझ ले ये तीन एटम्स का एक पेयर बन के लगा हुआ होता है CHO। और ये जो कीटोन होता है इसका मतलब होता है CO, कार्बन और ऑक्सीजन और इनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है, इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं कीटोन। तो अब जो मॉडर्न डेफिनेशन पॉली कार्बोहाइड्रेट की चल रही है वो ये कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि पॉली हाइड्रोक्सी होते हैं, यानी कि उनमें OH ग्रुप बहुत ज्यादा लगा हुआ होता है, बहुत ज्यादा, यानी कि 10, 15, 2, 4 ऐसे बहुत ज्यादा तादाद में पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए होते हैं। और दूसरा उनमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा यानी कि CHO, या कीटोनिक ग्रुप होगा CO, ठीक है। भारत देख लें है वही तीनों आइटम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन है, लेकिन अब भी लोग ज्यादातर इस तरफ जा रहे होते हैं इसी डेफिनेशन पे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में अब तक हमने क्या क्या बात करी, पहली बात यह कि कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, यानी इसमें कार्बन हाइड्रोजन होगा, एक बात। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें तीन एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तीसरी बात हमने ये की कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 2:1, यानी दो हाइड्रोजन के एटम होंगे तो एक ऑक्सीजन का एटम होगा। इसी बिना पर कार्बोहाइड्रेट का नाम पड़ा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और मॉडर्न डेफिनेशन ये है,
कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर OH ग्रुप होते हैं, बहुत सारे होते हैं OH ग्रुप। इसके अलावा एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक ग्रुप होगा। एल्डिहाइड कहते हैं CHO को और कीटोन कहते हैं CO को, ठीक है जी। उसके बाद मजीद आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के हवाले से। ज्यादातर की बात हो रही है मोस्टली ये स्वीट शेप, स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं जायके में, और क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं और व्हाइट कलर के होते हैं। लेकिन फिर वही बात, मोस्टली ज्यादातर कुछ कार्बोहाइड्रेट हमारी ऐसी हैं जिनमें ये तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती। वो मीठे नहीं होते, वो क्रिस्टलाइन नहीं होती, वो व्हाइट नहीं होती। लेकिन ज्यादातर की बात हो रही है कि ज्यादातर जो है वो मीठी होती है कार्बोहाइड्रेट, ज्यादातर की जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टल्स वाली होती है और व्हाइट कलर की होती है कार्बोहाइड्रेट। मजीद आप बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो ये आपको सबसे ज्यादा एनर्जी यानी कि सबसे पहले एनर्जी देता है, एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपाउंड। यानी कि जब आप खाना खाते हो तो खाने में से आपका जिस्म जो है वो तीन बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स निकालता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये मैं लिख देता हूँ उनका नाम, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा निकालते हैं वो प्रोटीन और तीसरे निकालते हैं वो लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट आप कह लें मीठी चीजें जो होती हैं, यही जिनको हम पढ़ रहे हैं। प्रोटीन आप कह लें मसल्स वगैरह जैसे कि गोश्त वगैरह। लिपिड कहते हो आप चर्बी को। तो हमारे पास ये तीन मेजर कंपाउंड है जिनको हम पढ़ेंगे भी, कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ रहे हैं इस वक्त और प्रोटीन लिपिड इसके बाद पढ़ेंगे। तो हमारे जो बॉडी जब ये तीन कंपाउंड्स निकालती है तो सबसे पहले एनर्जी वो इसमें से निकालती है। यानी कि आपकी बॉडी ने खाने में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड जब निकाला, अब स्टोर कर लिया, अब अगर आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए ना तो वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकालेगी, प्रोटीन और लिपिड को बचाएगी। अगर जरूरत कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है बॉडी के पास, तो फिर दूसरे नंबर पे जो वो तोड़ती है वो होता है लिपिड। लिपिड को तोड़ के वो एनर्जी निकालती है। और अगर लिपिड भी खत्म हो जाए या लिपिड भी नहीं है तो फिर वो थर्ड नंबर पे प्रोटीन को तोड़ती है। ये एनर्जी के तबार से बात कर रहा हूं मैं। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले एनर्जी देता है आपकी बॉडी को, इसलिए मैंने इसको क्या कहा, एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपाउंड। ये हमारे खाने के अंदर सबसे पहले हमें एनर्जी देता है। अगर आपने खाना ऐसा खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, सिर्फ प्रोटीन और लिपिड है, तो फिर आपकी बॉडी लिपिड को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकालेगी। और अगर आपने खाली प्रोटीन ही खा लिया, ना कार्बोहाइड्रेट ना लिपिड, आपकी बॉडी में ना कार्बोहाइड्रेट बचा ना लिपिड बचा, तो फिर आपकी बॉडी जो है वो प्रोटीन को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकालती है। इसकी वजह ये होती है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे जो सेल्स के अंदर जितने भी हमारे चीजें मौजूद है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, इनमें सबसे ज्यादा ये जो आपके सेल्स में जितने भी चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, इन सबको बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। इसलिए तो हम कहते हैं प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। हमारे सेल के अंदर आप समझ लें, हमने देखा है ना ऊपर, ये देखें, हमने जब प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन पढ़ी थी, ये क्या चीज सबसे ज्यादा है, देखो आप, प्रोटीन सबसे ज्यादा आपके सेल के अंदर प्रोटीन। वाटर को हटा दें अभी हम, तो सबसे ज्यादा हमारे सेल के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है। इसलिए बॉडी कोशिश करती है प्रोटीन को रोके ताकि उसके जरिए सेल्स की चीजें बनाई जा सके, साइटोप्लाज्म बना लिया जाए, माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया जाए, सेल मेम्ब्रेन बना लिया जाए, इसको रोका जाता है। कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले बॉडी क्यों तोड़ रही होती है, क्योंकि ये भले है तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, लेकिन निस्बतन प्रोटीन और लिपिड के इनको तोड़ना आसान होता है, ठीक है। अब देखो ना, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी C12H22O11, ये वाली एग्जांपल जो आपको दी थी, घरेलू शुगर जो होती है C12H22O11, बड़ा मॉलिक्यूल है, कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 है, ऑक्सीजन 11 है, बड़ा मॉलिक्यूल जरूर है। लेकिन अगर हम लिपिड की बात करें ना, लिपिड में ऑक्सीजन होते 72 के करीब, हाइड्रोजन होते 200 के करीब, कार्बन जो होता है वो होता है तकरीबन 150-170 के करीब, वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। आपकी बॉडी को लिपिड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, और बॉडी को एनर्जी फौरन से चाहिए होती है। तो इसलिए आपकी बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को तोड़ती है, क्योंकि ये निस्बतन प्रोटीन और लिपिड के छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं। प्रोटीन बड़ा होता है, लिपिड बड़ा होता है, प्रोटीन आपकी बॉडी की डेवलपमेंट में चाहिए होता है। सेल आपकी जो बॉडी है प्रोटीन को रोकती है ताकि बॉडी डेवलपमेंट में लगे प्रोटीन। लिपिड को आपकी बॉडी क्यों नहीं तोड़ती पहले, क्योंकि लिपिड को तोड़ने में सुबह से शाम हो जाएगी। हम अगर वो खाते ना, कहते हैं कि चर्बी वाला खाना मत खाया करो भाई, देर से हजम होता है, वो यही बात है। क्योंकि चर्बी वाला खाना मतलब उसमें क्या मौजूद है, लिपिड, देर से हजम होगा मतलब क्या हो गया, देर से टूटेगा, क्योंकि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं।
तो हमारी हमारे पास जो खाने में ये जो तीन बेसिक कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड, हमारी बॉडी सबसे पहले इसमें से कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर एनर्जी निकालती है। इसलिए हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी का एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपाउंड है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे जो चीजें होती हैं जैसे कि सेल्स के जो पार्ट होते हैं उनके अंदर भी बहुत सी जगहों पे कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल हो रहा होता है उसकी बनाने में। कार्बोहाइड्रेट हमारे जो है वो बिल्डिंग भी कह लें आप, हमारी सेल की बिल्डिंग भी करता है, बनाता भी हमारी सेल की BUIL हमारे सेल के अंदर, जैसे कि हमारे जो प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो काफी सेल्स के मटेरियल्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होता होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी एनर्जी भी निकाल के देता है और जो थोड़ी बहुत बच जाती है कार्बोहाइड्रेट वो हमारे सेल्स को बनाने के अंदर, उसकी चीजें बनाने के अंदर लग जाती है। प्रोटीन और लिपिड की बात अब हम आगे करेंगे, तो यहाँ तक आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो ये जरा तरतीब याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट अगर हम एनर्जी के हवाले से बात करें तो सबसे पहले एनर्जी आपको कौन सा मॉलिक्यूल देगा बॉडी को, कार्बोहाइड्रेट, फिर कौन से टूटते हैं, लिपिड, और सबसे आखिर में टूटते हैं प्रोटीन। वजह मैं आपको बता चुका हूँ प्रोटीन को सबसे आखिर में क्यों तोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में बिल्डिंग के काम आता है, बनाने के काम आती है प्रोटीन, एनर्जी के लिए नहीं खा रहे हो आप, ये अपनी बॉडी को डेवलपमेंट, अपनी बॉडी को बनाने के लिए खाते हो आप, इसलिए बॉडी इसको तोड़ती नहीं है। लिपिड को दूसरे नंबर पर क्यों तोड़ रही है, क्योंकि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको तोड़ने में टाइम लग जाता है, इसलिए लिपिड को जो है वो सेकंड नंबर पे रखती है तोड़ने के अतबार से, और कार्बोहाइड्रेट को सबसे ज्यादा तोड़ती है। तो ये एनर्जी के अतबार से हो गया तोड़ने के हिसाब से। लेकिन अगर हम देखें एनर्जी एक, अगर हम तीनों का एक एक मोल ले लें, तीनों का एक एक मोल ले लें, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सा कंपाउंड प्रोवाइड करता है, सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है ये वाला, हाइएस्ट लिख देता हूं मैं इसके आगे, लिपिड सबसे ज्यादा एनर्जी देता है आपको। वजह मैंने आपको बताया, लिपिड बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, काफी बॉन्ड है इसके अंदर, हर बॉन्ड के अंदर एनर्जी है। मैंने आपको बताया था कि जब आप बॉन्ड बनाते हो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो लिपिड तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, 200-250 बॉन्ड मौजूद होते हैं, जब आप इतने बॉन्ड तोड़ोगे तो ठीक ठाक एनर्जी आती है। तो लिपिड आपके बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। दूसरे नंबर पे आपको सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड होती है बाय प्रोटीन, सेकंड नंबर पे, तो इसको मैं हाई कह देता हूँ, हाइयर कह देता हूँ, और फिर सबसे कम एनर्जी जो है वो आपको कार्बोहाइड्रेट देता है, इसको हम हाई कह देते हैं। तरतीब समझ जाइएगा, हाईएस्ट, हाइयर और हाई। तो अब अगर हम इसको वाइंड अप करें इस बात को, तो हमारे पास तीन बेसिक कंपाउंड है फूड के अंदर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। कौन सा कंपाउंड सबसे पहले टूटता है एनर्जी के हवाले से, सबसे पहले कौन सा कंपाउंड टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बाद कौन सा कंपाउंड टूटता है, लिपिड, और सबसे आखिर में बारी आती है प्रोटीन की। लेकिन अगर हम एनर्जी के अतबार से देखें तो लिपिड हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देगा, अगर हम एक मोल लिपिड का तोड़ेंगे सबसे ज्यादा एनर्जी हमें लिपिड से निकलेगी। उसके बाद प्रोटीन की होती है, सबसे कम एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, बहुत कम एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट देता है। वजह यही है कि कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल इन दोनों की निस्बत काफी छोटे हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान 2:1 का रेशियो होता है। मॉडर्न डेफिनेशन ये याद रख लीजिएगा आप कि कार्बोहाइड्रेट जो है पॉलीहाइड्रोऑक्सी होते हैं, यानी बहुत सारे OH ग्रुप मौजूद होते हैं इसके अंदर। उसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई एक ग्रुप मौजूद होता है, यानी CO या CHO, इनमें से कोई एक ग्रुप भी मौजूद होगा, ऐसे कंपाउंड को आप कहते हो कार्बोहाइड्रेट। अब आप बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की टाइप की, ये बात भी अभी आप दोबारा आएगी, मोस्ट स्वीट वगैरह। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट की या क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी इसकी इसके अंदर कितनी टाइप्स हैं, तो इनको हम दो तीन तरीकों से तोड़ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अगर हम ग्रुप बनाएं, इसकी क्लासिफिकेशन करें, तो दो तीन तरीकों से हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहली होती है ऑन द बेसिस ऑफ आप कह लें शेप या प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना चाहें, प्रॉपर्टीज के हवाले से अगर हम कार्बोहाइड्रेट में ग्रुप बनाएं, तो दो ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप कहलाता है शुगर और दूसरा ग्रुप कहलाता है नॉन शुगर। नाम से ही जाहिर हो जाएगा अभी आपका नाम जो आया ना, शुगर और नॉन शुगर। अगर हम प्रॉपर्टीज के हवाले से देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में दो ग्रुप होते हैं। शुगर वो कार्बोहाइड्रेट होती हैं जो ज्यादातर जो व्हाइट कलर की होती हैं, स्वीट टेस्ट होता है इनका और क्रिस्टलाइन होती है, ये ज्यादातर होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था ना, ये वाली बात मोस्टली
ज्यादातर होती है ये। तो अगर हम प्रॉपर्टीज के हवाले से बात करें तो हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, दो टाइप है कार्बोहाइड्रेट की। पहली टाइप कहलाती है शुगर, ये ऐसी कार्बोहाइड्रेट होती हैं जिनका सफेद कलर होता है, मीठी होती हैं, क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल्स की तरह होती है, आपके जो घर के अंदर चीनी है देख लो आप क्रिस्टल्स होते हैं, और वाटर सोलेबल होती है यानी पानी के अंदर ये हल हो जाएंगी, डिजोल्व हो जाएंगी, सोलेबल। और नॉन शुगर की बात करें तो नॉन शुगर जो है वो ज्यादातर वाइट नहीं होती, नॉन वाइट कह लें इसको आप, इनका टेस्ट लेस होती है, ये कोई टेस्ट नहीं होता इनका, अगर आप इसको चखोगे ना आपको ऐसा लगेगा कोई आपने कुछ रखा ही नहीं है मुंह में, नो टेस्ट एट ऑल। इसके अलावा क्रिस्टलाइन नहीं होती है, ये होती है एमोर्फस। एमोर्फस कहते हैं जैसे पाउडर की फॉर्म को, जैसे आपका टेलकम पाउडर होता है ना गर्मियों में जो हम लगाते हैं, वो क्रिस्टलाइन थोड़ी होता है, वो तो पाउडर फॉर्म का होता है, तो ऐसी होती है ये एमोर्फस पाउडर फॉर्म, और इनसॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, पानी में ये डिजोल्व नहीं होती। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह की शुगर कार्बोहाइड्रेट होती है। शुगर ये होती है जो व्हाइट कलर की होती है, स्वीट होती है, मीठा जायका होता है, क्रिस्टलाइन होती है, वाटर सॉल्युबल होती है। बहुत सारी एग्जांपल हैं, ग्लूकोस, ग्लैक्टोस, फ्रक्टोस, लैक्टोस, सक्रोस, ये सारी शुगर हैं, ये सारी स्वीट, व्हाइट, क्रिस्टलाइन और वाटर सॉल्युबल है। और नॉन शुगर होती है दूसरी टाइप, ये टेस्टलेस होती है, पाउडर फॉर्म में होती है, अमॉर्फस होती है, पानी में डिजोल्व नहीं होती, जैसे कि स्टार्च हो जाती है, सेलुलोस होती है और ग्लाइकोजीन होती है, ये हमारी नॉन शुगर। तो एक तो हमने ये डिवाइड किया कार्बोहाइड्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ शेप, अगर हम इनके स्ट्रक्चर के तबार से बात करें, दूसरा अगर हम इसको इसके ग्रुप बनाएं तो वो बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इसकी बनावट के तबार से। बनावट के तबार से जो क्लासिफिकेशन है वो जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये आती भी है पेपरों में। बनावट के तबार से हमारे पास तीन ग्रुप है, मोनोसेक्राइड, या आपने नाइन में भी पढ़े होंगे वर्ड मोनोसेक्राइड, उसके बाद होती है ओलिगोसेक्राइड, उसके बाद होती है पॉलीसेक्राइड। ठीक है, ये तीन ग्रुप है। स्ट्रक्चर के अतबार से अगर हम बात करें, बनावट के अतबार से अगर हम बात करें तो हमारे पास पॉलीसेक्राइड के तीन ग्रुप होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अच्छा, अब पॉलीसेक्राइड से मैं स्टार्ट कर लेता हूं, उल्टा चलूंगा मैं, जरा उल्टा चलूंगा। मैंने आपको पॉलीमर्स और मोनोमर्स बताया था पिछली क्लास के अंदर, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह जो होते हैं, बड़ी बड़ी चेन्स होती है, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर चेन फॉर्म में होती है, और उस चेन फॉर्म को आप कहते हो पॉलीमर्स। और अगर आप उस चेन को तोड़ दो तो जो छोटे छोटे सिंगल मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, जो सिंगल यूनिट आपको मिलेंगे, उनको आप कहते हो मोनोमर्स। मोनोमर को आप मजीद नहीं तोड़ सकते, अगर आप मोनोमर को मजीद तोड़ोगे तो फिर वो सारे एटम अलग हो जाएंगे और फिर वो कुछ और ही हो जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इसकी एग्जांपल्स भी दी थी मैंने आपको, तस्बीह इसकी बेहतरीन एग्जांपल होती है। अगर हम तस्बीह को देखें, बहुत सारे छोटे छोटे दानों से मिलकर बनी हुई होती है, तो तस्बीह हो गई पॉलीमर। और अगर आप तस्बीह को तोड़ दे तो हर दाना लहदा लहदा हो जाएगा, तो हर दाना कहलाएगा मोनोमर। इसी तरह ये जो पॉलीसेक्राइड्स होती है ना, ये पॉलीमर्स होती है, इनमें बहुत बड़े बड़े 150-200 के करीब छोटे छोटे मोनोमर्स मौजूद होती है। स्ट्रक्चर के अतबार से बता रहा हूँ, पॉलीसेक्राइड्स क्या होती है, बड़ी बड़ी चेन्स होती है जिनके अंदर 150-200 के करीब जो है छोटे छोटे मोनोमर्स लगे हुए होते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी चेन्स को हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉली का मतलब बहुत सारी, सेक्राइड का मतलब होता है स्वीट, मीठी। तो पॉलीसेक्राइड्स क्या है, पॉलीमर्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे, इनमें छोटे छोटे सिंगल सिंगल से मोनोमर्स लगे हुए होते हैं, उनको आप कहते हो पॉलीसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड की बात करूं मैं अगर, तो ये भी पॉलीमर्स तो हैं, बड़ी बड़ी चेन है, लेकिन इनके अंदर 2 से लेके 10 तक मोनोमर्स मौजूद होंगे, यानी कि 2 मोनोमर से मिलकर बना हुआ होगा, या 3 मोनोमर होंगे, या 4 अप टू 10, 10 मोनोमर होंगे। इसको आप कहोगे ओलिगोसेक्राइड, ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स को जिसके अंदर आपको 2 से लेके 10 मोनोमर्स मिले, इनको आप कहोगे ओलिगोसेक्राइड। और ये जो मोनोसेक्राइड होती है, दरअसल ये मोनोमर होता है कार्बोहाइड्रेट का, यानी ये पॉलीमर नहीं होती, ये एक सिंगल यूनिट होता है, एक सिंगल यूनिट होगा, इसको आप कहोगे मोनोमर।
यही मोनोमर्स अगर दो मिल जाएंगे तो ऑलिगोसेक्राइड, 2 से 10 होंगे तो ये ऑलिगोसेक्राइड की कैटेगरी में जा रहे होंगे, और अगर यही मोनोमर या मोनोसेक्राइड बहुत सारे मिल जाएंगे ना, इसको आप कहोगे पॉलीसेक्राइड। इस चीज को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पर आ रहा हूं, इधर तरह डायग्राम्स को ड्रॉ करके समझते हैं इस चीज को। तो ये समझ लें, आपके पास ये है एक सिंगल मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये एक सिंगल मोनोमर है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, और कार्बोहाइड्रेट के सिंगल मोनोमर को मैं क्या कह रहा हूं, क्या नाम दिया है मैंने, मोनोसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, सिंपल सिंगल, जिसको मजीद नहीं तोड़ सकता मैं। मोनोसेक्राइड्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट की बिल्कुल सिंपल सादा फॉर्म, जिसको मैं अगर मजीद तोड़ूंगा तो कार्बन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, एटम्स अलग अलग हो जाएंगे, उसको आप कहोगे कि वो मोनोमर या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हम उसको क्या कहेंगे, वो मोनोसेक्राइड है। अब अगर ऐसे दो मोनोमर मिल गए मेरे पास, ये ले जी एक और मोनोमर आ गया, ये दो मोनोमर मिल गए, ये दो मोनोमर मिल गए ना, अब ये हो गई ऑलिगोसेक्राइड। इसी तरह दो से अगर ये चार मिल जाए, रुक जाए मैं मिला लेता हूं आपके सामने, बल्कि मोनो को अलग रखते हैं, इसको अलग रखते हैं। ये देखें, अब ये जो मैं आपको बना रहा हूं ना, ये है डाइसेक्राइड, वो ऑलिगोसेक्राइड, तीन ये भी ऑलिगोसेक्राइड है। अब ये चार मोनोमर हो गए, ये भी ऑलिगोसेक्राइड है। पांच हो गए, ये भी ऑलिगोसेक्राइड है। छह हो गए, ये अब भी ऑलिगोसेक्राइड है। सात हो गए, ये अब भी ऑलिगोसेक्राइड है, अब भी ऑलिगोसेक्राइड है। आठ है, अब नौ मोनोमर्स हैं, अब भी ऑलिगोसेक्राइड है। और ये दस हो गए, ये अब भी ऑलिगोसेक्राइड है। ये ऑलिगोसेक्राइड्स हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर दस मोनोमर जुड़े हुए। देखें आप, दो से लेके दस तक अगर आपको मिलेंगे ना, जैसे सक्रोज के अंदर दो मोनोमर्स होते हैं, इसी तरह आगे बहुत सारी होती है डेक्सट्रिंस के नाम से, उनमें बहुत सारे मोलिक्यूल, दस होते हैं तकरीबन। तो ये क्या होगा, ये डायसेक्राइड्स हो जाएगी, ये सॉरी डायसेक्राइड निकले आ रहा है मुझे, ऑलिगोसेक्राइड्स हो जाएंगे। डायसेक्राइड भी अभी मैं बताता हूँ क्या होती है, ठीक है। ऑलिगोसेक्राइड में याद रखिएगा, दो से लेके दस मोनोमर्स आपको मिलेंगे। तो फिर ऐसी कार्बोहाइड्रेट को जिनके अंदर दो से लेके दस मोनोमर्स होंगे, उनको हम कहते हैं ऑलिगोसेक्राइड। और अगर इस जैसी बहुत सारे 150-200 मोनोसेक्राइड्स अगर मैं मिला दूं, तो फिर वो तीसरी कैटेगरी बन जाएगी कैटेगरी, इसको आप कहते हो पॉलीसेक्राइड। अब ऑलिगोसेक्राइड में दो टाइप होती है, ऑलिगोसेक्राइड में दो टाइप होती है, एक कहलाती है डायसेक्राइड और एक कहलाती है डेक्सट्रिन। एक कहलाती है डायसेक्राइड और एक कहलाती है डेक्सट्रिन। क्या फर्क होता है, डेक्सट्रिन लिख दिया मैंने, डेक्सट्रिन क्या फर्क होता है, डायसेक्राइड, डाय मतलब दो, ये डायसेक्राइड ऐसी ऑलिगोसेक्राइड्स होती हैं जिनके अंदर सिर्फ दो मोनोमर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये जो मोनोमर है ना, ये इतनी अगर मैं ले लूं, ये डायसेक्राइड है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो मोनोमर है। और डेक्सट्रिन क्या होती है, जिनके अंदर आपको तीन से लेके दस मोनोसेक्राइड के यूनिट्स मिले, उनको आप कहते हो डेक्सट्रिन, ठीक है। तो यहां तक ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया, फिर मैं वापस अब उधर आ जाता हूं। तो हमारे पास स्ट्रक्चर के अतबार से तीन कैटेगरी होती है कार्बोहाइड्रेट की, एक कहलाती है मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड जो होती है वो सिंपल और स्मॉलेस्ट शुगर होती है, आप कह लें जो इनको हम मोनोमर्स भी कह सकते हैं। ये मजीद हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है टूटना, ये मजीद नहीं टूट सकती। अगर ये टूटेंगी, आप मोनोसेक्राइड को तोड़ोगे तो कार्बन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, और फिर वो शुगर ही नहीं रहेगी, फिर तो वो एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो इनको आप ऐसी शुगर्स को जो कि बिल्कुल अपनी सिंपल तरीन हालत में होती है, सिर्फ एक सिंगल यूनिट होता है। कौन है ये तो बार बार जाया जा रहा है, माशान का नेट प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, तो मोनोसेक्राइड्स क्या होती है, सिंपल तरीन कार्बोहाइड्रेट होती है, सिंगल यूनिट होते हैं, इनको आप मजीद नहीं तोड़ सकते। अगर आप इनको मजीद तोड़ेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अलहदा अलहदा हो जाएंगे, और वो शुगर नहीं रहेगी, इनको आप कहते हो मोनोसेक्राइड। बहुत सारी मोनोसेक्राइड होती है, इनकी मजीद तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इनकी मजीद टाइप्स को, अभी मैं यहाँ तक करता हूँ उसको। तो मोनोसेक्राइड्स क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिनको आप मजीद तोड़ नहीं सकते, उनको आप कहते हो मोनोसेक्राइड। अगर दो मोनोसेक्राइड से लेके दस मोनोसेक्राइड मिल गई, दो से लेके दस मिल गई, तो फिर अब जो शुगर तैयार होती है उसको आप कहते हो ऑलिगोसेक्राइड। ऑलिगोसेक्राइड क्या हो गई, कार्बोहाइड्रेट की ऐसी पॉलीमर्स होती हैं
जिनमें 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स मौजूद होती है। ऑलिगोसेक्राइड में 2 कैटेगरी हैं, अगर 2 मोनोमर्स हैं खाली तो इनको आप कहते हो डाइसेक्राइड, सबसे ज्यादा डाइसेक्राइड होती है। और अगर 3 से लेकर 10 हैं, यानी 3 मोनोमर्स हैं, मोनोसेक्राइड है, 4 मोनोसेक्राइड हैं, 6 हैं, 7 हैं, 10 हैं, तो फिर वो कहलाती है डेक्सट्रिन। और फिर तीसरी कैटेगरी है पॉलीसेक्राइड, ये बड़ी बड़ी चेन होती है, 150, 200, 250, 300 के करीब मोनोसेक्राइड से मिलके बनी होती है, इनको आप कहते हो पॉलीसेक्राइड। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे जल्दी से, हादिया माशान दोनों माइक खोल के अगर यहाँ तक कोई सवाल है बेटा तो पूछो, क्योंकि अब मैं इनकी मजीद और तकसीम करूंगा। हादिया माशान माइक आप खोल लिएगा, माइक पे पूछ लें, मैंने माइक खोल दिया आप दोनों का। तो अब तक हमने क्या देखा जी, कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया हमने, कार्बोहाइड्रेट ये सारा है, कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ज्यादातर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपको मिलेंगी वो 2:1 के रेशियो से मिलती है, इसीलिए इनका नाम कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करती है, सबसे कम एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स के अंदर, लेकिन सबसे पहले प्रोवाइड करती हैं आपको ये, इसीलिए अगर कोई शख्स बेहोश हो जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, या किसी को चक्कर आ रहे होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ग्लूकोज पिलाओ, क्योंकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है और वो जानता है कि कार्बोहाइड्रेट खिलाएंगे इसको, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। अब किसी को कोई बेहोश हो रहा है उसको तेल थोड़ी पिलाओगे आप, क्योंकि तेल तो बहुत, जब तक वो मर जाएगा तब तक एनर्जी निकाल के देगा तेल। तो किसी को ड्रिप जब चढ़ाई जाती है, यानी एनर्जी की कमी हो रही होती है किसी को, किसी को डायरिया हो जाता है, उल्टियां होती है, उसको एनर्जी की कमी हो जाती है, तो हम जब उसको ड्रिप चढ़ाते हैं तो ड्रिप क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के कंपाउंड होते हैं ड्रिप में, क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले टूट के उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो कार्बोहाइड्रेट आपका एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपाउंड होता है, सबसे पहले आपकी बॉडी में ये टूट के आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। हाँ, एनर्जी प्रोवाइड करने के हवाले से इसका 3rd नंबर है, ये आपको सबसे कम एनर्जी देता है निस्बतन लिपिड और प्रोटीन के। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन करें तो प्रॉपर्टीज के तबार से कार्बोहाइड्रेट में 2 ग्रुप होते हैं, शुगर और नॉन शुगर। शुगर कौन सी होती है, व्हाइट कलर होता है इनका ज्यादातर, मीठी होती है, क्रिस्टलाइन शक्ल की होती है, ये क्रिस्टल्स वाली, और पानी में डिजोल्व हो जाती है, ज्यादातर आपकी जो कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर ही है। नॉन शुगर क्या होती है, जिनका कोई जायका नहीं होता, पाउडर फॉर्म में होती है, अमॉर्फस, और पानी में ये सॉल्व नहीं हो सकती, मिसाल के तौर पर स्टार्च, सेल्यूलोस और ग्लाइकोजन, ये 3 जो हैं वो नॉन शुगर हैं, बाकी तमाम जो हैं वो शुगर हैं। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट को स्ट्रक्चर की बुनियाद पे तोड़ें तो 3 ग्रुप हैं इसके, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, और ऑलिगोसेक्राइड के भी मजीद 2 ग्रुप होते हैं, डायसेक्राइड और डेक्सट्रिन। चाहे तो यहाँ लिख लेते हैं, चले हम बुलेट डाल के लिख लेते हैं, एक होता है डायसेक्राइड और एक होता है डेक्सट्रिन, फिर देखो मैंने डेक्सट्रिन लिख दिया, डेक्सट्रिन। मोनोसेक्राइड क्या होती है, ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स जो बहुत ही सिंपल, सादा, सबसे छोटी कार्बोहाइड्रेट होती है, स्ट्रक्चर के तबार से सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होती है, इसको आप मजीद नहीं तोड़ सकते, अगर आप इसको मजीद तोड़ेंगे तो इसके सारे एटम्स अलहदा हो जाएंगे और ये फिर कार्बोहाइड्रेट ही नहीं रहेगी, इसको आप मजीद नहीं तोड़ सकते। ऐसी कार्बोहाइड्रेट को जो बिल्कुल सिंपल होती है, स्मॉलेस्ट होती है, मोनोमर्स होती हैं, इनको हम मजीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं मोनोसेक्राइड। बहुत सारी मोनोसेक्राइड होती हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी कैटेगरी है ओलिगोसेक्राइड, ये ऐसी कार्बोहाइड्रेट होती है जिनके अंदर 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड होती है, इनकी 2 कैटेगरी है, डायसेक्राइड और डेक्सट्रिन। डायसेक्राइड में 2 मोनोमर्स होंगे, डेक्सट्रिन में 3 से लेकर 10 तक होते हैं, इसमें 2 मोनोमर्स होते हैं और इसमें 3 से लेकर 10 तक मोनोमर्स होंगे। इनको आप हाइड्रोलाइज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको कहा ना, मोनोसेक्राइड को आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इसको आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन इसको आप हाइड्रोलाइज कर सकते हो। अगर आप डायसेक्राइड को हाइड्रोलाइज करोगे, तोड़ोगे, 2 मोनोमर्स अलग हो जाएंगे, अभी भी शुगर है वो, मोनोसेक्राइड निकलेंगे 2। इसी तरह डेक्सट्रिन, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 मोनोसेक्राइड वाला डेक्सट्रिन है, तो अगर आपने उसको हाइड्रोलाइज किया, उसको तोड़ा, तो आपके सारे मोनोमर्स अलग हो जाएंगे, आपको 10 मोनोसेक्राइड मिल जाएंगी और मोनोसेक्राइड भी शुगर है, लिहाजा ये हाइड्रोलाइज हो सकती है। पॉलीसेक्राइड पॉलीमर्स होती हैं, बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, 150-200 के करीब मोनोसेक्राइड होती हैं, इनको भी हम हाइड्रोलाइज करते हैं।
जब हम इनको हाइड्रोलाइज करेंगे सारे मोनोसेक्राइड्स अलग अलग हो जाएंगी और हर आपको बहुत सारी ये मिल जाएंगी मोनोसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड कैन बी हाइड्रोलाइज इंटू मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, टेक्सट्रिन, दे कैन बी हाइड्रोलाइज इंटू मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड की टाइप्स की बात करें तो मोनोसेक्राइड्स की काफी टाइप होती है। कौन कौन सी टाइप होती है मैं लिखूंगा यहाँ पे या नीचे, चले मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसलिए यहीं पे लिखते हैं बुलेट्स की फॉर्म में। बहुत सारी टाइप होती है मोनोसेक्राइड की, एक कहलाती है ट्रायोस, एक कहलाती है टेट्रोस, एक कहलाती है पेंटोस, एक कहलाती है हेक्सोस और एक कहलाती है हेप्टोस। ट्रायोस ये वर्ड पे जरा गौर करिएगा, ग्रीक वर्ड है, ट्राय मतलब थ्री, टेट्रा मतलब फोर, पेंटा मतलब फाइव, हेक्सा मतलब सिक्स, हेप्टा मतलब सेवन। ट्रायोस ऐसी मोनोसेक्राइड होती हैं जिनमें कार्बन कितने होते हैं, तीन। टेट्रोस में कार्बन होते हैं चार, पेंटोस में कार्बन होते हैं पांच, हेक्सोस में कार्बन होते हैं छह और हेप्टोस में कार्बन होते हैं सात। कार्बन की तादाद के तबार से आपने मोनोसेक्राइड के ये पांच ग्रुप बनाए गए। अगर तीन कार्बन है तो ट्रायोस है, अगर चार कार्बन है तो टेट्रोस है, अगर पांच कार्बन है तो पेंटोस है, अगर छह कार्बन है तो हेक्सोस है और अगर सात कार्बन है तो हेप्टोस है। कार्बन के तबार से अब ट्रायोस की एग्जाम्पल कौन कौन सी होती है, बहुत सारी होती है, मैं आपको एक दो दे देता हूँ, ग्लेसिरोस, इसी तरह ये बुक में भी आपके मौजूद है, बुक में भी आप देख लेगा एक टेबल बना हुआ होगा। इरिथ्रोस जो है वो टेट्रोस की एग्जाम्पल है, पेंटोस की एग्जाम्पल आप ले लें, राइबोस, राइबोस शुगर आपके न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए में पाया जाता है, ये वो है। हेक्सोस सबसे ज्यादा होती है, ये जो आपकी मोनोसेक्राइड में ये जो हेक्सोस कैटेगरी है ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, ग्लूकोस, ग्लूकोस, फ्रक्टोस और ग्लैक्टोस, ये तीन बहुत बड़ी हैं, ये ज्यादातर आपकी दुनिया में ना ये वाला मोनोसेक्राइड पाया जाता है, ग्लूकोस, फ्रक्टोस, ग्लैक्टोस वाला। और हेप्टोस की एग्जाम्पल आपके सामने है ग्लूकोहेप्टोस, ये शुगर है कुछ, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड हमारे पास काफी कैटेगरी है, कार्बन की तादाद के तबार से आपने उनको डिवाइड किया होता है, तीन से लेके सात कार्बन होंगे, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस वगैरह करेंगे। ये जो होती है हेक्सोस, दैट इज द मोस्ट अबंडेंट मोनोसेक्राइड, ये सबसे ज्यादा दुनिया में पाई जाती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोस और ग्लैक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हैं C6H12O6, इन तीनों में भी सबसे ज्यादा आपको ये मिलता है ग्लूकोज। फ्रक्टोज हमारे जितने भी फल होते हैं उनमें आप देखते हैं ना मिठास होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, फ्रक्टोज की वजह से होती है। और दूध के अंदर पाया जाता है आपको ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज आपको तो वैसे ही गन्ने अन्ने में शुगर केन के अंदर से निकल आता है, वो आपका ग्लूकोज होती है, जो शुगर गन्ने के रस में होती है। फलों में जो मिठास होती है, फलों में जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसको हम फ्रक्टोज कहते हैं। और दूध में जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होती है, दरअसल होती तो वो डाइसेक्राइड की शक्ल में, लेकिन अगर हम उस डाइसेक्राइड को तोड़ें तो उसमें से हमें एक ग्लैक्टोज निकलेगा, एक ग्लूकोज निकलेगा और एक ग्लैक्टोज। तो ये तीन आपकी सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। और ये जो है उसके बाद दूसरे नंबर पे ये वाला होता है राइबोस, ये हमारे सेल्स के अंदर होती है, आरएनए डीएनए के अंदर। इसी तरीके से अगर हम डाइसेक्राइड्स की बात करें तो बहुत सारी डाइसेक्राइड्स हैं हमारे पास। मैंने आपको कहा था ना ऑलिगोसेक्राइड में सबसे ज्यादा हमें डाइसेक्राइड मिलती है, ऑलिगोसेक्राइड में हमें डाइसेक्राइड सबसे ज्यादा मिलती है दुनिया में। तो डाइसेक्राइड हमारे पास बहुत सारी है, कौन कौन सी है, जैसे कि मिसाल के तौर पे सक्रोज, यहाँ लिख देते हैं। अच्छा टाइम हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 46 हो गए और हैरत है क्लास आज कैंसिल वो खत्म नहीं हुई, तो अब हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसका इस चीज को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये हमने टॉपिक लिखा हुआ तो है, हमने मोनोसेक्राइड की बात कर ली, थोड़ा सा हम कल बात करेंगे ऑलिगोसेक्राइड हमारे पास कौन कौन सी हैं, फिर पॉलीसेक्राइड हमारे पास कौन कौन सी हैं उनकी बात करेंगे, फिर हम अगले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर जाएंगे प्रोटीन पर। तो अब आप देखें जी आपको कुछ